हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। टेक्स्टबुक इंजीनियरिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं वैभव श्रीवास्तव, और इस तरीके से हम बात करते हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना यूपीएमआरसी के लिए एक नया सेशन। हम बात करते हैं एक नया सुबह, नई शुरुआत और नई चीजों के साथ हम यहां पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल और नॉट। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल, सबसे पहले मुझे ये कंफर्मेशन दे दीजिएगा गाइस। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? बहुत बढ़िया तरीके से, जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा दोस्तों। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? क्या बात है, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वन बाय वन ज्वाइन होते जा रहे हैं सभी लोग, चलो वन बाय वन ज्वाइन होते जा रहे हैं। सेशन को शेयर और लाइक करो यार दोस्तों, जल्दी से शेयर और लाइक द सेशंस, शेयर एंड लाइक द सेशंस। राधे राधे भैया, यस सर, आप विजिबल है, ऑडिबल है, सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो सेशन को शेयर करो यार, बाकी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं जल्दी से। देखो यूपीएमआरसी जो लेकर के आया है, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज लेकर के आया है आपके लिए, बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर, सो दैट कि आप एक अपनी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल हम कायदे कानून के साथ यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कायदे कानून के साथ यहाँ पर लेकर के चलेंगे, तो मजा भी आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यार कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर यूपीएमआरसी के लिए आप प्रॉपरली यहाँ पर चीजों को कर सके और प्रॉपरली तरीके से यहाँ पर हम चीजों को लेकर के जा सके, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर एक अच्छा मौका है यहाँ पर यूपीएमआरसी आप लोगों के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो सेशन को शेयर और लाइक कीजिएगा जल्दी से, सो दैट आपके जो बाकी साथी भी हैं वो यहाँ पर आपके साथ ज्वाइन हो सके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं, जब तक हमारे और भी साथी लोग यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, जब तक हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। सेशन को शेयर और लाइक कीजिएगा जल्दी से, शेयर कीजिएगा धड़ाधड़ तरीके से, शेयर कीजिएगा बाकी लोग हमारे साथ जुड़ जाए, ठीक है। मैं जब तक बाकी बच्चों को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, बाकी बच्चों को भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जल्दी से आप लोग भी यहाँ पर शेयर कर दे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, फॉर द फ्रेम शोन इन द फिगर द टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज, देखो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में पूछा है। अगर टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करनी है, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आउटर रिएक्शंस के बेसिस पे होती है। तो हम बात करें डीएस इज इक्वल टू, यहां पर देखो कितनी रिएक्शन होंगी, एक दो और तीन, तीन रिएक्शन निकल करके आएंगी यहां पर। यहां पर कितनी रिएक्शन होगी, हम बात करते हैं हिंज सपोर्ट है, तो एक और दो, कितनी दो रिएक्शंस यहां पर निकल करके आती हैं, और यहां पर रोलर सपोर्ट है जिसके कारण एक वर्टिकल रिएक्शन निकल गया, तो कितना एक रिएक्शन निकल के आएगी। तो अगर हम टोटल रिएक्शन की बात करें, तो टोटल रिएक्शन कितनी हो जाएंगी हमारी, टोटल जो रिएक्शन निकल करके आती है वो रिएक्शन टोटल कितनी हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है टोटल, आर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, सिक्स निकल करके आ रहा है, कितना हो रहा है, आर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, सिक्स निकल के आ रहा है। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो निकल करके आ रही है वो कितनी हो रही है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रही है तीन, हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आएगी, छह माइनस तीन इज इक्वल टू कितना, तीन निकल करके आ जाएगा, कितना, छह माइनस तीन इज इक्वल टू तीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा बेसिक आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा बेसिक आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये कंडीशंस यहाँ पर निकल करके आएगी, तो फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं यहाँ पर, एन एक्सकेवेशन इज मेड टू द मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ इन अ क्ले सॉइल हैविंग गामा डी, गामा डी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बल्क यूनिट वेट दे दिया गया, क्या बल्क यूनिट वेट दे दिया गया है, कितना 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, एंड कोहेशन की वैल्यू जो दी गई है वो 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दे दी गई है, कितना 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दे दी गई है। तो 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर कोहेशन की वैल्यू दे दी गई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, हाँ 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर दे दी गई है। देन हम बात करते हैं क्या है, फाई एंगल मतलब 30 डिग्री है, फाई एंगल की बात करें तो कितना 30 डिग्री, फाई एंगल मतलब क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर दिया गया। एक्टिव प्रेशर की कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू रैंकिन्स थ्योरी द बेस लेवल ऑफ द एक्सकेवेशन इज, भैया बेस लेवल ऑफ एक्सकेवेशन के बारे में पूछ रहा है, बेस लेवल ऑफ एक्सकेवेशन मतलब बेस लेवल ऑफ एक्सकेवेशन का मतलब है हमसे क्रिटिकल डेप्थ के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, किसके बारे में, क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ की बात करें तो क्या है,
अनसपोर्टेड वर्टिकल कट की बात कर रहा है, अनसपोर्टेड वर्टिकल कट। तो अनसपोर्टेड वर्टिकल कट में तो HC इज इक्वल टू कितना आता है, HC इज इक्वल टू आता है 4C अपॉन गामा अंडर रूट के ए निकल करके आता है, यानी 4C गामा अंडर रूट के ए निकल करके आता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 4C अपॉन गामा अंडर रूट के ए निकल करके आता है, और के की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव निकल करके आ जाएगा, 1 माइनस साइन थर्टी अपॉन 1 प्लस साइन थर्टी। तो साइन थर्टी की वैल्यू कितना है, 1/2 निकल करके आती है, तो कितना हो जाएगा 1/3 इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, कितनी 1/3। और अगर हम बात करें तो कितना, 4 इंटू सी की वैल्यू लगा देंगे 100 इंटू गामा की वैल्यू कितनी लगाएंगे 18 इंटू 18 अंडर रूट के, के की वैल्यू कितनी लगा देंगे 1/3 लगा दिया जाएगा, सॉरी 1/3 लगा दिया जाएगा। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, इस वैल्यू को सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है, इस वैल्यू को सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे इस वैल्यू को सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर, जल्दी से कैलकुलेटर चलाया करो यार, 115.47 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर निकल कर गया, सॉरी ये मीटर में निकल गया, सॉरी ये मीटर में निकल गया, तो ये कितना आ रहा है जल्दी बता दो, क्या पूछ रहा है, डेप्थ पूछ रहा है, और ये यूनिट किसमें दे रहा है, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, गलत है ये, तो गलत है, सरासर गलत है, ये यहाँ पर कितना है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में दे रहा है भैया, कितना आ रहा है इसका आंसर, ए आ रहा है, हाँ ए आएगा, लेकिन क्या होगा यूनिट गलत दे दिए गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिट गलत दे दिए हैं क्यों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो अभी ये मीटर में आएगा, ये कितना आएगा, ये मीटर में। अब इस डेप्थ तक का प्रेशर निकाल लो, इस डेप्थ तक का क्या निकाल लो, प्रेशर निकाल लो, हम आके इस डेप्थ तक का क्या निकाल लो, प्रेशर, ये कितना आ रहा है जल्दी बताओ, ये कितना, अभी ए आंसर नहीं आएगा, अभी ए आंसर नहीं आएगा, अभी तो क्या आएगा, ये थ्रस्ट निकाल, एक्सकेवेशन इज मेड टू द मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ ऑफ द क्लेहरिंग द दिस वन एंड दिस वन, एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है वहां पर बेटा। तो ये कितनी डेप्थ आ रही है, ये मुझे डेप्थ बता दो बस, पहले ये डेप्थ बता दो, ये डेप्थ कितनी आ रही है, कोई मुझे बताएगा, कितनी डेप्थ आ रही है ये कोई बताएगा, मैं सॉल्व करूं, लेट से x मीटर आ रही है, चलो ठीक है, मैंने बोल दिया x मीटर आ रही है, चलो नहीं बता, ठीक है। तो PA निकालना है, तो PA इक्वल टू कितना होता है, PA जो इक्वल टू निकल गया था KA गामा XC माइनस कितना होता है 2C अंडर रूट KA निकल गया, ये फॉर्मूला लगाना है। तो KA की वैल्यू फिर से लगा दो, गामा की वैल्यू कितनी है 18 लगा दो, इंटू XC की वैल्यू कितनी आ रही है, जो भी आई है x मीटर निकल के आ रही है वो लगा दिया हमने, माइनस 2 इंटू 100 इंटू कितना अंडर रूट के, यानी 1/3, बस पीए की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर कितनी आ रही है। अब आंसर आएगा आपका, अब आंसर आएगा, अब हम बताएं आंसर आएगा, ठीक है, रॉन्ग है इसलिए तो बोल रहा हूं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं इसका आंसर कितना, अब आंसर आएगा, अब आंसर ए निकल के आएगा, अब आंसर किसमें आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया जाएगा, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो वाई किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, उसकी वैल्यू किसके बराबर, ऑप्शन नंबर 1 के बराबर, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 1 के बराबर हो गई है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्लियर है सभी को आपसे क्वेश्चन। तो क्या दिया गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्रस्ट निकालना था यहाँ पर, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना था, तो वो यहाँ से निकलेगा, वो एच सी हाइट पर निकलेगा जिसपे हम बात करते हैं, ये कंडीशन निकल करके आ रही है। तो सेकंड की बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा है अभी तक का, हम बात करें तो इसको मार्क कर लो आप, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पर निकल करके आएगा, चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर, 3 का आंसर बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा दोस्तों यार, जल्दी से, चैन से सोने वालों जाग जाओ, अगर जागोगे नहीं आज नहीं जागोगे तो कल क्या होगा, कल तो 9 बजे क्लास होती है, ठीक है, बेटा मजा देखने में आता है, ठीक है, सामने आओ असलियत कुछ और हो जाती है, क्लियर, मजा तो आता है लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ सबसे पहले, तो आप क्लियर है बात, तो इसका आंसर बताओ, इफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लोड ऑन अ बार
आर सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, कितना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस है ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस सिग्मा वन एंड सिग्मा टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा नॉट द लॉन्गिट्यूडनल लोड विल बी, द लॉन्गिट्यूडनल लोड विल बी, तो लॉन्गिट्यूडनल लोड निकालना है और कौन सा निकालना है हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब कौन सी स्ट्रेस होगी, शेयर स्ट्रेस निकल कर जाएगी। टेंजेंशियल स्ट्रेस की मतलब कौन सी होगी हमारे शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर, तो हम बात करते हैं यहां पर क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या है शेयर स्ट्रेस निकालना है, और शेयर स्ट्रेस अगर हमें निकालना है तो दो स्ट्रेसेस यहां पर लग रही है उस केस में शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा tau xy dash is equal to कितना होगा माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री या सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई, इसको सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई लिखते हैं, सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा इंटू अगर हम बात करते हैं प्लस tau xy cos 2 थीटा निकल करके, यही फॉर्मूला होता है यानी जैसे देखो यही फॉर्मूला होता है यानी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो क्या यही फॉर्मूला निकल करके रखते हो या नहीं, हाँ या ना तो बोल दो। जिसमें अगर हम बात करें तो यहां पर कितना है केवल सिग्मा वन है सिग्मा टू, तो सिग्मा वन अगर हम क्या सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ सिग्मा वन है और सिग्मा वाई की वैल्यू माइनस ऑफ सिग्मा टू है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है और टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है जीरो निकल करके आ रही है, तो ये वाला टर्म का पूरा कितना हो गया जीरो निकल करके आ गया, बच्चा ये वाला टर्म तो कितना होगा माइनस ऑफ कितना माइनस ऑफ सिग्मा वन माइनस माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन कितना टू इंटू साइन टू थीटा नॉट निकल, साइन टू थीटा नॉट। अब मुझे बता दो आंसर क्या निकल गया, जल्दी बता दो आंसर क्या निकल गया, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इंटू साइन टू थीटा नॉट निकल कर क्या कितना साइन टू थीटा नॉट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो राइट आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया सभी को, क्लियर है, चलो चलो बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर थ्री, एक अच्छा क्वेश्चन फॉर्मूला में इस क्वेश्चन, अरे यार तुम लोग यार एकदम ये तो बातें बंद कर दो यार, मतलब एकदम से ऐसी बातें करते हो क्या होता है, मतलब आंसर कोई नहीं देता है बातें सब करते हैं, या तो फिर मैं कमेंट देखना पूरे ही बंद कर दूंगा फिर कोई भी डाउट नहीं दिया जाए। ठीक है, मतलब बीच में जो व्यक्ति कमेंट पूछ रहा है अगर डाउट पूछ रहा है तो उससे डाउट पता नहीं कहां चले जाते, ठीक है। चलो भैया ये किस बात की बधाइयां चल रही है, तो बधाइयां बताइए अलग ही चल रहा है, किस बात की बधाई चल रही है पता ही नहीं चल रहा है यहां, अच्छा यूपीएमआरसी का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, बधाई पहले, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, थर्ड नंबर बहुत बढ़िया थर्ड नंबर। चलो फोर्थ नंबर की बात करते हैं, तो कभी बधाई लेने के काम भी करो, हमेशा बधाई देते ही रहोगे क्या जिंदगी भर, कभी बधाई देने के काम भी तो करो, वो नहीं करना है क्या कि हम भी बधाई दे सके। चलो तो हम आगे फोर्थ नंबर द एरिया, अगर हम आगे द एरिया ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट डी एंड द साइड स्लोप एस रेशियो वन ऑफ एन लेंथ एल विल बी, देखो अगर हम साइड स्लोप की बात करते हैं तो यहां पर साइड स्लोप जो निकल के आता है वन इंटू एच निकल के आ रहा है, कितना वन इंटू एच, तो अगर हम साइड स्लोप की लेंथ की बात करें कितना हो जाएगा, अगर हम ये डेप्थ बोलते हैं डी है तो ये जो लेंथ निकल के आएगी वो कितना होगी, वो डी अंडर रूट वन प्लस एस स्क्वायर निकल करके आता है या नहीं। अब इसको लेंथ मान लो एल, एल जो लेंथ मान लो तो एल इंटू ये वाला पोर्शन, एल इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, एल इंटू विड्थ जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, लेंथ इंटू विड्थ जो निकल करके आएगा वो हमारा एरिया होगा, तो इस स्लोपिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा हम आगे लेंथ इंटू विड्थ निकल करके आएगा, कितना लेंथ इंटू विड्थ निकल करके आएगा, और लेंथ इंटू विड्थ की बात करें तो कितना एल इंटू डी अंडर रूट वन प्लस एस स्क्वायर निकल करके आएगा, तो एल इंटू डी अंडर रूट वन प्लस एस स्क्वायर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा हमारा आंसर निकल, ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल गया, तो हम आपके फोर्थ की ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो हम बात करते हैं यहां पर,
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, इफ द टेम्परेचर ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज इंक्रीज देन द सेडिमेंटेशन स्पीड। देखो अगर टेम्परेचर ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक को बढ़ा दिया जाता है तो सेडिमेंटेशन जो स्पीड है वो क्या निकल करके आएगी, ठीक है, वो क्या निकल करके आएगी, चलो वो हम क्या निकल गया। तो देखो अगर हम मान के सेडिमेंटेशन प्रोसेस की बात करें तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में किस पे है, सेटलिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, किस पे, सेटलिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और अगर हम सेटलिंग वेलोसिटी की बात करें, सेटलिंग वेलोसिटी वी एस इक्वल टू कितना होता है, वी एस इक्वल टू होता है जी माइनस वन इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। और इसी को हम बात करें म्यू जो है विस्कोसिटी, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना होता है या नहीं, विस्कोसिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना होता है या नहीं, तो विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना हुआ तो सेटलिंग वेलोसिटी भी कहां पर डिपेंड करेगी, सेटलिंग वेलोसिटी भी हमारी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। और अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो टेम्परेचर से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। और अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा विस्कोसिटी कम हुई तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम आपके सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी तो गेट हास्टेड, तो हम आते गेट हास्टेड, हास्टेड मतलब क्या होगा, तेज हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर वन निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी, और विस्कोसिटी कम होगी तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर वन जो है वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर लेते हैं, एज द स्पान ऑफ द ब्रिज इंक्रीजेस द इंपैक्ट फैक्टर। अगर हम इंपैक्ट फैक्टर की बात करते हैं, स्पान ऑफ द ब्रिज जो इंक्रीज होता है वो इंपैक्ट फैक्टर क्या निकल करके आता है, इंपैक्ट फैक्टर क्या निकल करके आएगा, कोई मुझे बताएगा जल्दी से, इंपैक्ट फैक्टर क्या निकल करके आएगा, जल्दी आंसर बताओ, अरे जल्दी आंसर बता दो मुझे। चलो तो हम आते हैं इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू होता है 4.5 अपॉन 6 प्लस एल निकल के आता है। तो इंपैक्ट फैक्टर और लेंथ ऑफ द स्पान, स्पान लेंथ जो निकल के आया वो कैसा आया, इनवर्सली आया। तो अगर हम आते हैं स्पान ऑफ अ ब्रिज इंक्रीज, अगर स्पान जो है इंक्रीज हो रहा है तो इंपैक्ट फैक्टर को क्या होना चाहिए, इंपैक्ट फैक्टर को डिक्रीज होना चाहिए दोस्तों, इंपैक्ट फैक्टर को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो इंपैक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज निकल करके आएगा, और डिक्रीज होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर वन आंसर होगा। तो सारे के सारे फॉर्मूला हमें क्या है, याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इंपैक्ट फैक्टर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पान लेंथ निकल करके आना है, वो कंडीशंस की हम बात करें। तो सिक्स की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो राइट आंसर, ठीक है। चलो सेवेंथ नंबर की बात करते हैं, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे, इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर मैं बता चुका हूँ इसको, द एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ कॉरूगेटेड स्टील शीट फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ कॉरूगेटेड स्टील शीट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द प्लेन एरिया इज, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द प्लेन एरिया इज, प्लेन एरिया के ऊपर परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना दे रहे होते, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया दे रहे होते कितना, 14% हम दे करके रख रहे होते, कितना 14% दे करके। तो सेवेंथ की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा, सेवेंथ की बात करें तो ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नंबर की बात करते हैं, एट नंबर का आंसर कौन बताएगा जल्दी से, एट नंबर का आंसर जल्दी से बताओ, एट नंबर का आंसर कौन बताएगा, द सर्वे कंडक्टेड फॉर स्टेबलाइजिंग स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज इज, द सर्वे कंडक्टेड फॉर स्टेबलाइजिंग स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्री को स्टेबलाइज करने के लिए। तो देखो जब भी बाउंड्रीज की बात आती है तो बाउंड्रीज को करने के लिए हम कौन सा करते हैं, कैडस्ट्रल सर्वे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बाउंड्रीज के लिए हम कौन सा करते हैं, हम कैडस्ट्रल सर्वे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कैडस्ट्रल सर्वे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। रूट सर्वे किसके लिए करते हैं, तो जब लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल करते हैं और रूट को डिसाइड करना होगा तो वहां पर क्या करते हैं, हम रूट सर्वे को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें टोपोग्राफिक सर्वे की बात करें तो टोपोग्राफिक फीचर्स को हम आपके टोपोग्राफिक फीचर्स को मैप करने के लिए हम किसकी बात कर रहे होते हैं, टोपोग्राफिक फीचर्स को मैप करने के लिए हम किसकी बात करते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, टोपोग्राफिक सर्वे की बात हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर निकल करके आ रही होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहां से आगे की तरफ, ठीक है। तो हमारा यहां पर आंसर ये होगा। अच्छा एक और बात बताओ, टोपोग्राफिक मैप जो सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है वो टोपोग्राफिक है किस स्केल पर बना रहा होता है,
सर्वे ऑफ इंडिया जो टोपोग्राफिक बात करते हैं तो वो किसमें बना रहा होगा? ठीक है, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर कितना लेते हैं, जल्दी बताओ, 1:50,000 ले लिया जाता है, कितना 1:50,000 यहां पर लेकर के, ठीक है, तो हाफ कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है 10%, चलो ठीक है, तो 1:50,000 जनरली हम बात करते हैं कितना देते हैं, 1:50,000 पर हम टोपोग्राफिक मैप को बनाने की बात कर रहे थे, तो एट्थ की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट आंसर है, ठीक है। चलो नाइन्थ नंबर की बात करें, स्पिल बे का क्वेश्चन आ गया है, नाइन्थ नंबर की बात करते हैं, स्पिल बे का क्वेश्चन यहां पर आ गया है, जल्दी से बताओ आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, सेंटेंस को शेयर करते रहो जल्दी से, शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल, शेयर द सेशन, शेयर द सेशन, सोम रजत जी यार कहां काम दिया मैंने, मैंने कहां ना, मैंने तो यही बोला ना तुम्हें बातें करनी तुम बातें करो, मैं कमेंट नहीं देखूंगा, फिर यही करेंगे ना, फिर मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, अब कैसे पढ़ाना है ये मेरे ऊपर है, तुम लोग नहीं पढ़ाने दोगे मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ा के छोड़ूंगा तुम्हें, जैसे हम बात करते ना कि किताबें जो होती हैं वो तुम्हें पढ़ाकर ही नहीं मानती है, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं जब तक वो तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता ब्लॉक करके रखेंगे, तो किताबों की तरह मैं भी हूं, अगर मैंने ठान लिया कि तुम्हें पढ़ा दूंगा तो तुम्हें पढ़ाकर ही छोड़ूंगा, चाहे तुम्हें किसी भी तरीके से समझाना पड़े, 200 तरीके हैं मेरे पास समझाने के लिए, मैं 20 तरीके पूरे लगा दूंगा जिसपे हम बात करते हैं कि तुम्हें बिल्कुल 200 तरीके से समझा दूंगा, तुम बस पूछो तो डाउट, मैं 20 तरीके लेकर के, चलो तो हम बात करते हैं यहां पर, इन स्पिल बे व्हेन द टेल वाटर डेप्थ इज लेस देन द सीक्वेंट डेप्थ, अगर हम टेल वाटर डेप्थ की बात करते हैं तो टेल वाटर डेप्थ जो निकल कर आती है वो क्या है, सीक्वेंट डेप्थ से कम आती है, एंड द रिवर बेड इज कंपोज्ड ऑफ स्टिप रॉक, अगर हम बात करते हैं रिवर बेड क्या है, कंपोज्ड ऑफ स्टिप बेड, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस इज परफॉर्म, कौन सा एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस यहां पर यूज करते हैं, तो देखो अगर रिवर बेड जो है वो कंपोज्ड ऑफ स्टिप रॉक है, स्टिप रॉक का बना हुआ है, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी क्या है, टेल डेप्थ जो है वो लेस देन है सीक्वेंट डेप्थ से, तो इस कंडीशन में हमारे स्काई जंप बकेट जो होता है वो हमारा बिल्कुल सुटेबल निकल के आता है, सॉलिड रोलर बकेट यहां पर नहीं आएगा क्योंकि हमारे सॉलिड रोलर बकेट के केस में क्या स्टिप रॉक नहीं होना चाहिए, स्टिप रॉक नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन यहां पर निकल करके आ रही है, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर, तो ये कंडीशन निकल करके आ रही है, ठीक है, तो हम बात करते हैं नाइन्थ की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, नाइन्थ के बाद टेंथ नंबर की बात करते हैं, टेंथ नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, उसके लिए भी मैं तरीका बता रहा हूं, एक एप्लीकेशन आती है स्क्रीन लॉक, ठीक है, स्क्रीन लॉक करके, स्क्रीन लॉक नहीं बिल्कुल स्क्रीन लॉक हो जाती है, तो उसमें टाइमर लगा दो 1 घंटे का, 1 घंटे तक केवल तुम जो फोन आएगा वो रिसीव कर पाओगे, दूसरा कोई काम कर ही नहीं पाओगे उस मोबाइल की स्क्रीन को खोल के, 2 घंटे का लगा दो, 2 घंटे तक यही होगा, रख दो साइड में, मैं कहता हूँ लोग क्या करते हैं फेसबुक आईडी इंस्टाग्राम आईडी ये सारी इनएक्टिव करते हैं, इनएक्टिव करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो बात, ये सेल्फ कंट्रोल होता है, चलो तो हम कहें ऑफ द फॉलोइंग 4 सिलेक्शन, निम्नलिखित में से जो 4 सिलेक्शन दिए गए हैं विच सेक्शन, सेक्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सेक्शन है मैक्सिमम प्लास्टिक मॉडुलस, मैक्सिमम प्लास्टिक मॉडुलस कौन सा सेक्शन यहां पर रख रहा होता है, मैक्सिमम प्लास्टिक मॉडुलस हम बात कर रहे हैं यहां पर कौन सा सेक्शन रख रहा है, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर, सर फिर से बोलिए नाम एक बार, अरे स्क्रीन लॉक करके आता है, ठीक है, चलो तो हमारे टेक्नोलॉजी का अगर तुम्हें यूज पता है तो यूज बहुत अच्छा है, तो हम बात करते क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 4 सेक्शन में से वो सेक्शन बता रहे जो मैक्सिमम प्लास्टिक मॉडुलस रखता है, अगर मैक्सिमम मॉडुलस प्लास्टिक मॉडुलस की बात करें तो कौन सा रखता है, ISWB 250, अगर ISWB की बात करते हैं ISHB 250 यहां पर रखेगा, ISHB 250 जो है HB हम बात करते हैं वो हमारा क्या रख रहा था मैक्सिमम प्लास्टिक मॉडुलस यहां पर रख रहा होता है,
और प्लास्टिक मॉडुलस होता क्या है, ZP की बात करें प्लास्टिक मॉडुलस क्या होता है, हम अगर टोटल एरिया डिवाइडेड बाई 2 निकल करके आता है, उसमें हम अगर Y1 प्लस Y2 निकल करके आता है, कितना Y1 प्लस Y2, A by 2, Y1 प्लस Y2 यहां पर निकल करके आता है। Y1 Y2 क्या है, आप स्ट्रीम साइड में मतलब ऊपर साइड में और लोअर साइड में, न्यूट्रल एक्सिस से इक्वल एरिया एक्सिस से ऊपर साइड में और नीचे साइड में जो मैक्सिमम फाइबर्स हैं डिस्टेंस पे, उनकी डिस्टेंस यहां पर निकल करके आते हैं। तो हम बात करें इसका सेक्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं 11th नंबर का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, 11th नंबर का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, 11th नंबर का आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलो तो हम बात करते हैं यहां पर, इफ द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ अ एक्सटेंशन इज 4 मीटर, अनसपोर्टेड लेंथ की बात करते हैं कितना है 4 मीटर है, एंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर रहे हैं ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 सेंटीमीटर बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो निकल करके आ रहा है कि हमारा स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, स्लेंडरनेस रेशियो, तो स्लेंडरनेस रेशियो कितना है, हम बात करें स्लेंडरनेस रेशियो निकल के आता है एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन निकल करके आता है, यानी एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन निकल करके आता है। तो एल इफेक्टिव की बात है तो कितना हो जाएगा हमारा इफेक्टिव लेंथ कितना 4 मीटर, तो 4 × 100 सेंटीमीटर अपॉन कितना आर मिनिमम की वैल्यू 5 निकल गया 20 × 80, तो हमारे कितना 80 निकल करके आ जाता है, स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है 80 निकल करके आ जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, तो लेंथ की बात करें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो 12th नंबर की बात करो मेरे जन्ने मन्ने बच्चों, नन्ने मन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में तकदीर हमारी, जल्दी से बताओ जल्दी बताओ, द डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स रेइनफोर्समेंट ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन स्टील रॉड बट नॉट लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, 1/4 ऑफ द डायमीटर से तो हम बात करते हैं ऑफ मेन स्टील के बराबर होना चाहिए, लेकिन किससे कम होना चाहिए, हम बात करें बट नॉट लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो हम बात करते हैं यहां पर कि उसको 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, सीधा सीधा कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन तो हमने कई बार कर लिया, 1/4 ऑफ द डायमीटर के बराबर निकल करके आएगा, वो बात तो हमने यहाँ पर कर भी ली है कई बार। ठीक है, तो हम आते हैं 13 नंबर की बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ भैया, सेशन को शेयर और लाइक करो जल्दी से, सेशन को शेयर और लाइक करो जल्दी से, क्योंकि ये सेशन तुम्हारे हर एक एजेंसी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली यूपीएमआरसी के लिए। ठीक है, जल्दी द पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स पीएसआई, हम बात करें पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स पीएसआई वैल्यू इन बिटवीन 101 एंड 199 डिनोट्स द एयर क्वालिटी एस, अगर हम बात करते हैं वैल्यू जो है वो 101 और 199 के बीच में है, तो ये किस तरीके की एयर क्वालिटी को डिनोट कर रही होती है, किस तरीके की एयर क्वालिटी को अगर हम बात करते हैं डिनोट कर रही होती है। ठीक है, तो अगर हम गुड क्वालिटी की बात करें तो गुड क्वालिटी के लिए कितना होता है 0 से लेकर 50 के बीच में निकल जाता है, कितना 0 से लेकर 50 के बीच में निकल जाता है। मॉडरेट क्वालिटी के लिए बात करें कितना 51 से लेकर 100 के बीच में हमारा मॉडरेट में, लेकिन ये क्या है 101 से 199, और अगर हम 101 से 199 बात करें तो कितना होता है अनहेल्दी निकल गया था, तो 101 से लेकर 200 तक हमारा क्या होता है अनहेल्दी निकल गया था, और हैजार्डस क्या होता है हम आते हैं 300 से ज्यादा निकल गया था, 300 से ज्यादा, तो 300 से ज्यादा निकल के आएगा वो क्या हुआ हैजार्डस, तो सर 201 से लेकर 300 के बीच में क्या होता है वो होता है वेरी अनहेल्दी, क्या होता है वेरी अनहेल्दी निकल करके आता है, वेरी अनहेल्दी निकल करके आता है। तो हम बात करते हैं यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अनहेल्दी इज द राइट आंसर निकल करके आएगा, अनहेल्दी इज द राइट आंसर निकल, तो ये सारी वैल्यू जो है वो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर सर मॉडरेट था प्लीज, मॉडरेट कैसे था भैया, ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 3, तो 13 की बात करें ऑप्शन नंबर 3, 13 की बात करें 14 की बात करते हैं यहां पर, 14 का आंसर होता जल्दी से, हाँ व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑन इन मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड फॉर अ 4 ग्राम पार्टिकल्स विच इज फॉलिंग इन द वॉटर विद प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर,
which is projected area of 5 square centimeter. Then the coefficient of drag is given as 0.47. तो क्या निकालना है? मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है. इसका आंसर कौन बताएगा जल्दी से? इसका आंसर कौन बताएगा जल्दी से? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? F is equal to CD rho AB square. अगर हम बात करते हैं तो फोर्स कितना है? 4 ग्राम है. अगर 4 ग्राम का पार्टिकल है तो फोर्स कितना लगेगा? 4 ग्राम का पार्टिकल है तो कितना फोर्स लगेगा? हम आते हैं 4 into g, हम आते हैं 4 into g, तो 4 into 10 की पावर -3 ये किलोग्राम इंटू कितना? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारा जी की वैल्यू लगा दी. CD की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.47 आ रही है. अगर हम रो की बात करें तो रो यहां पर क्या है? वाटर है. रो की बात करें तो रो क्या है? वाटर. और वाटर के लिए कितना लगाते हैं? वाटर के लिए लगाते हैं 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एरिया कितना है? 5 into 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर लगाया जाएगा. और वी स्क्वायर की बात करते हैं यहां पर, वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है? कोई मुझे बताएगा वी की वैल्यू किसमें निकालना है? मीटर पर सेकेंड में. तो मीटर पर सेकेंड में वी की वैल्यू कितनी आ रही है? कोई मुझे बताएगा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? कोई बताएगा 14 का आंसर क्या हो रहा है? अरे यार तुम लोग यार बातें करवा लो, आंसर नहीं निकाल, आंसर नहीं निकाल पा. जल्दी से कैलकुलेटर चलाओ यार. 0.58 हमारे 0.58 मीटर पर सेकेंड यहां पर निकल कर गया. कितना? 0.58 मीटर पर सेकेंड यहां पर निकल कर आएगा. तो हम बात करते हैं यहां पर 14 की बात करते हैं, 0.58 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर. तो 14 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो बहुत बढ़िया, सी आंसर नहीं होगा, ए आंसर निकल गया है. ठीक है, 0.58 0.572 निकल के आ रहा है, वो 0.58 के बराबर निकल करके आ जाएगा. तो 14 की बात करते हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, थोड़ा सा जाग जाओ, अपने मुंह पे पानी के छींटे मारो, थोड़ी सी ठंडी हवा महसूस करो और तुम वहां पर जाग जाओगे. तो जागना जरूरी है. अगर आज चीजें बहुत हाथ से निकल रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार डिग्रेडेशन हो रहा है. ठीक है, तो बाकी लोग कॉम्पिटिशन से बाहर जा रहे हैं, तुम कॉम्पिटिशन में बने रहो. कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट. देखो पुरानी कहानी अलग हो गई है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुआ वाली कहानी हो गई है पुरानी. अब स्लो स्टडी के साथ साथ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी रिक्वायर्ड है. दोनों चीजें रिक्वायरमेंट है, तब जाकर के तुम्हें सक्सेस के पास पहुंचोगे. अदरवाइज बहुत लोग हैं जो 2-3 साल से भी मेहनत कर रहे हैं. हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि केवल 2 साल से UPMRC मेट्रो के लिए काम पड़ रहा, केवल पड़ रहा, तुम्हारा कॉम्पिटिशन वहां से है. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. चलो तो 14 की बात करते हैं, फिर व्हाट इज द राइट आंसर. 15 नंबर की बात करते हैं यहां पर, द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट अ स्टेटेड टाइम इज नोन एज. अगर हम बात करते हैं, एक आर्ट निकल करके आ रही है. कौन सी आर्ट है? असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू, केवल फेयर वैल्यू निकालना है. अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें तो फेयर वैल्यू क्या होता है? जो नेचुरल कंडीशंस पे रखी होती हैं, जो नेचुरल कंडीशंस पे रखी होती हैं, उनको फेयर वैल्यू बोलते हैं. मतलब मार्केट में जो कंडीशन है उन बेसिस पे निकल के आते हैं फेयर वैल्यू. तो क्या सर्विस वैल्यू होगी? सर्विस वैल्यू का क्या मतलब होता है? जब यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाती है प्रॉपर्टी की और हम उसको विदाउट डिसमेंटलिंग बेचते हैं तो उसको सर्विस वैल्यू बोलते हैं. बुक वैल्यू क्या होता है? वो जो केवल डिप्रिसिएशन पर सब्जेक्ट रहती है. और डिप्रिसिएशन किसके कारण? केवल बियर एंड टियर के कारण होने वाले डिप्रिसिएशन पर सब्जेक्टेड होती है, उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं. तो क्या बुक वैल्यू आंसर होगा? बुक वैल्यू भी आंसर है. रिटेनेबल वैल्यू क्या होती है? आफ्टर द रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी जो नेट इनकम बचती है, नेट इनकम में से भी रिपेयर के लिए जो पैसा निकालते हैं उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिटेनेबल वैल्यू. तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा? वैल्यूएशन होगा. वैल्यूएशन क्या होगा? आर्ट. तो आर्ट के बारे में बोला है तो वो क्या होगा? वैल्यूएशन. अगर वैल्यू के बारे में पूछता, अगर वो वैल्यू के, अगर आर्ट ना पूछे द वैल्यू ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू, प्रेजेंट फेयर वैल्यू पूछता, तब क्या आंसर होता? जल्दी बताओ. अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, आर्ट ना पूछ करके द वैल्यू ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू, उसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. ओके मधुकर जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा. चलो सभी लोग जल्दी बताओ उसका आंसर क्या होगा. उसका आंसर जो निकल करके आएगा वो होगा मार्केट वैल्यू. उसका आंसर क्या निकल करके आएगा?
उसका आंसर जो निकल करके आएगा वो क्या होगा, वो मार्केट वैल्यू कहा जाएगा। उसका आंसर क्या कहा जाएगा, मार्केट वैल्यू उसको कहा जाएगा। तो हम बात करते हैं उसको आंसर क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू निकल करके आएगा वो आंसर। ठीक है, तो 15 की बात करते हैं, ऑप्शन ऑफ 4 इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर 16 नंबर का आंसर कौन देगा, जल्दी से क्वेश्चंस की लेंथ पर मत जाना, बिल्कुल छोटा सा खड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेंथ पर मत जाना। जल्दी आंसर दो उसका, चलो जल्दी से। अरे कोई भी आंसर नहीं दे रहा, चलो तो क्या बोला, आ प्रोजेक्ट मैनेजर इंटेंड्स टू डिजाइन अ कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शंस फॉर अ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो एफ एम हम बात करें तो कितना था, एफ सी के प्लस के टाइम्स ऑफ सिग्मा निकल के आता है, यानी कितना होता है के टाइम्स ऑफ सिग्मा। अगर हम के टाइम्स ऑफ सिग्मा एफ सी के की बात करें तो ये कितना हो गया, ये 30 निकाल करके दे दिया गया। कितना दिया गया, 30 निकाल करके यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया। देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, फ्रॉम हिज previous experience he knows that the standard deviation is 3 MPa. standard deviation kitna de diya gaya hai, standard deviation 3 MPa. apne previous experience se nikalna hai standard deviation kitna hona chahiye, 3 dB. to sigma jo hai wo hamara standard deviation hai, iska baat hai 3 MPa. lekin pehle aage par to validate the same he asked his material engineer to cast 40 samples. 40 sample banwaye usne, theek hai, then the standard deviation from which is found to be a 4 MPa. to usne kya paya, अब स्टैंडर्ड ये तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे था 3 MPa, लेकिन उसने फाइनली फाइंड कितना किया, 4 MPa फाइंड किया है। तो सिग्मा की वैल्यू अब आप कितनी लगाओगे, वो लगाओगे 4 MPa लगाओगे, कितनी लगाओगे 4 MPa। इन द कंक्रीट मिक्स इज टू बी डिजाइन फॉर द फेल्योर रेट ऑफ 1 in 100। 1 in 100 का मतलब है हमें किसकी वैल्यू दे दी गई है, हमें के की वैल्यू। तो फेल्योर रेट का मतलब है हमें किसकी वैल्यू दे दी गई है, 1 in 100। 1 in 100 का मतलब है हमें के की वैल्यू दे दी गई है, और के इज इक्वल टू कितना दे दिया गया, 2.33 दे दिया गया। तो मीन स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताना है कि मीन स्ट्रेंथ कितना होगा, तो मीन स्ट्रेंथ कितना होगा, तो एफ एम इज इक्वल टू कितना, 30 + 2.33 × 4 निकल कर आएगा। तो हमारे 4 × 2 = 8 के लगभग निकल के आएगा। कितना आ रहा ऑप्शन इसका, इसका ऑप्शन कितना आ रहा है, 16 का ऑप्शन की बात करें कितना आ रहा है, 16 का ऑप्शन निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। सभी ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया है, मेरे से पहले ही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया, 39 × 2.32 आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो जो भी जहां भी जा रहा है, अगर तुम ईयरफोन लगा लोगे ना तब भी मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी, तुम्हें मेरी आवाज जो है वो तुम तक पहुंच जाएगी, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा और चीजें समझ में आएगी। तो 16 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 नंबर की बात करते हैं, 17 नंबर, व्हाइल डिजाइनिंग द फाउंडेशंस ऑफ अ स्टील बिल्डिंग द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द फाउंडेशन रिलेटेड टू द सुपर स्ट्रक्चर विल बी। सुपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में जो हमारे बात करते हैं, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ फाउंडेशन की बात करते हैं, वो क्या निकल करके आ रही होती है, तो स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी जो निकल के आती है वो हम बात करते हैं हायर देन सुपर स्ट्रक्चर निकल करके आएगी। सुपर स्ट्रक्चर के कंपेरिजन में क्या होगी, ज्यादा निकल करके आएगी। तो सुपर स्ट्रक्चर के कंपेरिजन में क्या होगी, ज्यादा निकल करके, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन निकल करके आती है। तो हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 जो होता है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 18 नंबर की बात करो, यहाँ पर 18 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी कोई बताएगा 18 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी कोई बताएगा यहाँ पर 18 नंबर का आंसर। द थिकनेस ऑफ स्लैब्स एंड द सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम्स शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट। अगर हम थिकनेस ऑफ स्लैब की बात करते हैं, तो थिकनेस ऑफ स्लैब एंड सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम, सॉरी सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम्स जो लिया जाता है, कितना लिया जाता है,
हम बात करते हैं जो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो नियरेस्ट कितने पॉइंट है। देखो अगर स्लैब की बात करें और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम, दोनों कौन से स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, और आरसीसी स्ट्रक्चर में जो मेजरमेंट किया जाता है अप टू कहां तक किया था, अप टू 0.005 मीटर तक किया जाता है। कहां पर? अप टू 0.005 मीटर तक किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ यार तुम लोग क्या बात करते हो रे, धौंदू जस्ट चिल, बिल्कुल चिल हो जाओ यार, चिल हो जाओ, चिल मारो, ठीक है। चलो तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 19 कैचमेंट एरिया हाइड्रोलॉजी आगे श्रोम जी, ठीक है। तो हमारे कैचमेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्टेयर ईच ऑफ द वॉटर टाइट रूफ, इम्परमीबिलिटी फैक्टर इतना है, गार्डन के लिए इतना है, फॉरेस्ट के लिए इतना है, एंड एरिया फॉर हाउसिंग यूनिट के लिए इतना है। देन व्हाट विल बी द रन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ द एरिया, कितना निकल के आएगा, रन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एरिया कितना निकल करके आएगा, जल्दी बताओ, रन ऑफ कॉफिशियंट कितना निकल करके आएगा। ठीक है, तो रन ऑफ कॉफिशियंट क्या होते हैं, आर इज इक्वल टू कितना होता है सीपी, रन ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है सी टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या है, रन ऑफ कॉफिशियंट है, रन ऑफ कॉफिशियंट यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो रन ऑफ कॉफिशियंट जो निकल करके आएगा वो कितना होगा, हमारे C इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू N सी आई, हमारे A अगर हमें कहे कितना होगा, हम बात करते हैं यहाँ पर कितना है टोटल एरिया जो निकल करके आएगा वो कितना है, हमारे सी वन ए वन सी आई, हमारे कितना सी आई और ए आई, ए आई अपॉन कितना निकल के आएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 टू N, तो हमारा ए आई निकल करके यही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमारे का ये निकल करके आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ये कंडीशन निकल करके आई। अब बताओ यहाँ पर जो है सी आई, सी आई की वैल्यू हमारे सी की मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर दी गई, कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्टेयर, ईच एरिया कितना है 25 हेक्टेयर, तो हमारे 25 कॉमन ले लो और कितना हो जाएगा 0.90 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.8 अपॉन कितना निकल करके आएगा 25 × 4 निकल करके आएगा, कितना आएगा 25 × 4। तो C equivalent की वैल्यू कितनी आ रही है 0.463 के अकॉर्डिंग आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सभी ने बार सही आंसर दे दिया, क्या बात है। गुड वर्क के लिए 0.002, वॉल्यूम के लिए 0.01 मीटर की होता है बेटा वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर ये कंडीशन निकल गया, तो हम आते हैं 19 की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चल नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सरल लाना, चल थोड़े से न्यूमेरिकल हो रहे हैं, न्यूमेरिकल हो रहे हैं सर बेटा, आरसीसी एस्टीमेट सिलेबस में नहीं राजन जी, वो जेई के सिलेबस में नहीं है, एई के सिलेबस में आरसीसी सील है बेटा, राजन जी जेई के सिलेबस में नहीं है, एई के सिलेबस में, और हम यहाँ पर कंबाइंड सेशन लेकर के चल रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कंबाइंड सेशन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है राजन जी, वो मैंने देख लिया है ऑलरेडी सिलेबस को, हमने पहले सिलेबस ही डिस्कशन किया था, नोटिफिकेशन को डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने सेशन स्टार्ट किए। चलो चलो तो हम बात करते हैं द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाइन, अगर हम रियल इमेज की बात करते हैं तो रियल इमेज जो हम बात करते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाइन कहां पर लाई करना चाहिए, तो अगर हम बात करते हैं तो उसको जो लाई करना चाहिए वो कहां पर लाई करना चाहिए, ठीक है, उसको हम बात करते हैं कहां पर लाई करना चाहिए, तो हम बात करते हैं कहां पर, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर के प्लेन में यहां पर लाई करना चाहिए, तो क्रॉस हेयर के प्लेन में लाई करना चाहिए, तो ये कंडीशन निकल करके आ रही है बेटा। ऐसे कोई भी इश्यूज होते हैं तो उस समय आप जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं उन पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मेल कीजिएगा, दोबारा किसी दूसरे के अकाउंट से करके देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि अपने अकाउंट से नहीं दे रहा होता, दूसरे के अकाउंट से जल्दी, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा अलग अलग टाइमिंग पे करिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। 20 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सैफ अली जी, ठीक है। तो हम अगर 21 की बात करें यहां पर, 21 का आंसर बता दीजिए क्या है, कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स रेंज फ्रॉम, कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स की जो रेंज निकल गया, बड़को बच्चा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, कितना है 12 से 22 mm डायमीटर निकल गया था, कोल्ड ड्राइवन रिवेट के लिए कितना निकल गया था 12 से 22 mm निकल करके आ रहा होता है, तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आ रही है, तो 21 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 की बात करें यहाँ पर, 22 का आंसर बताओ जल्दी से आप 22 का आंसर बताएंगे, सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में 22 का आंसर देंगे जल्दी, ठीक है। रोहित राय जी, वीडियो इको हो रही है यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतनी देर से ये बच्चे देख रहे हैं तो इको कैसे हो सकता है,
ईगो कैसे हो सकता है, इतनी देर से बच्चे देख रहे हैं यार। ठीक है चलो, तो हम बात करते हैं यहाँ पर 22 का आंसर कौन बताएगा मुझे जल्दी से। 22 का आंसर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। हाँ कुकर की सीटी की आवाज जरूर आ सकती है, इको नहीं हो रहा होगा अभी, थोड़ी देर के लिए कुकर की सीटी की आवाज आई होगी बस, है ना। तो 22 नंबर, अ फील्ड ऑफ 500 हेक्टेयर इज टू बी इरिगेट फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप हैविंग अ 100 डेज एज अ बेस पीरियड, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इज 100 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट द ड्यूटी ऑफ द वाटर, ड्यूटी निकालना है हेक्टेयर पर क्यूबिक्स में निकालना है, तो ड्यूटी इज इक्वल टू कितना होगा 864 बी बाई डी निकल कर गया डेल्टा, बी बाई डेल्टा निकल जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे ड्यूटी निकालना है तो बी किसमें डेज में, डेज में कितना रखेंगे हम, मत रखेंगे 100 डेज रखा जाएगा, और डेल्टा किसमें सेंटीमीटर में, तो कितना 100 सेंटीमीटर रखा जाएगा, तो ड्यूटी इज इक्वल टू कितना आएगा 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक निकल करके आएगा, कितना 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो हमारा बात करें कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकलेगा। तो 22 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 22 नंबर, 23 नंबर की बात कर लो यहाँ पर, 23 नंबर का आंसर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ लमसम आइटम, लमसम आइटम की बात करें वो आइटम जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, क्वांटिफाई नहीं किया सकता है ना ही ग्रेविमेट्रिक के फॉर्म में, ना ही हम कहते हैं नंबर्स में, ना ही हम बात करें लेंथ मेजरमेंट में। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, अरे भैया बिल्कुल सीधी कंडीशन है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी वाई डी निकल करके आता है, ठीक है। अब हम बात करते जब भी 8.64 लिखा हो तो ये मीटर में है, अगर हम डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी वाई डी लिखेंगे तो इसको क्या लिखेगा, ये सेंटीमीटर में, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया गया है, बस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कोई एक फॉर्मूला याद कर लो, या तो सेंटीमीटर वाला या मीटर वाला, उसमें से निकाल के दूसरी वैल्यू लगा दिया करो, क्या दिक्कत है यार। ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर, चलो तो हम बात करते हैं 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर क्या बोलता है, 23 नंबर क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ लमसम आइटम, लमसम आइटम नहीं है, तो आर्किटेक्चरल फीचर्स जो होंगे वो हमारे लमसम आइटम निकल गया। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो कि सर यहां पर झूमर लगेगा, यहां पर ये लगेगा, वो लगेगा, आर्किटेक्चरल फीचर है सारे सारे। तो हम बात करते हैं यहां पर, हम बात करते हैं कंटिजेंसी एंड अनफोर्सीन आइटम्स, ये भी किसमें होंगे, लमसम, लमसम में निकल के आएंगे, ये कौन से होंगे लमसम। तो हम नहीं जानते हैं कौन से आइटम एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। कंटिजेंसी मतलब है अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लो कोई को बीमारी आ गई, कोई तुम्हारा लेबर काम कर रहा है, कोई मशीनरी खराब हो गई, कुछ हो गया, तो वो लमसम में निकल के आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन भी क्या होगा, लमसम। अब तुम पहले से थोड़ी बताओगे सर ये 30x40 का प्लॉट है, यहाँ पर 1500 मीटर का वायर लग जाएगा, पहले बोल दोगे क्या, नहीं बोल पाओगे ना। तो वायर कैसा लगेगा, क्या लगेगा, ये भी आप नहीं बोल पाएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्लास्टरिंग ऑफ वॉल, ये नॉट अ लमसम। हम बात करेंगे जितनी हमारी वॉल की हाइट होगी, लेंथ होगी, उसी के बेसिस पे हम प्लास्टरिंग को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब क्वांटिफाई किया जा सकता है, इसलिए प्लास्टरिंग ऑफ वॉल हमारा लमसम में काउंट नहीं होगा। तो 23 की बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर निकल गया, ठीक है। चलो 24 की बात करते हैं यहाँ पर, 24 की बात, among the different modes of failure given identified the one which is not applicable to a steel tension member, steel tension member के लिए यहां पर कौन सा applicable नहीं होता है, steel tension member के लिए कौन सा applicable नहीं हो रहा होता। तो हम बात करते हैं यहां पर crippling जो निकल के आता है, crippling जो निकल के आता है वो हमारा steel tension member के लिए applicable नहीं निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, पॉइंट को मेजर किया जा सकता है, लेकिन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की, कितनी वायरिंग लगेगी, कितनी मीटर लेंथ लगेगी, कितने सॉकेट लगेंगे, कितने प्लग लगेंगे, कितने स्विच लगेंगे, ये तुम पहले से कभी नहीं बता सकते हो। एक रूम में हो सकता है दो ट्यूबलाइट में काम हो जाए, लेकिन और दूसरी जगह अगर कोई दूसरा काम हो, तीन ट्यूबलाइट चाहिए पड़े, तो हम वहां पर इंस्टॉलेशन में हम लमसम नहीं जा सकते, ठीक है, लमसम जाना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया। मतलब ट्रिपलिंग होता है, कंप्रेशन में होता है। तो हम बता रहे हैं अमाउंग द डिफरेंट मोड्स ऑफ फेल्योर गिवन आइडेंटिफाई द वन व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल टू अ स्टील टेंशन मेंबर, स्टील टेंशन मेंबर पे एप्लीकेबल है, तो क्रिपलिंग जो है वो स्टील टेंशन मेंबर पे हमारा नहीं होगा, ये किस पे होगा, कंप्रेशन मेंबर पे यहां पर निकल करके आ रहा होगा। तो हम बात करेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा
राइट आंसर होगा, ठीक है। 25 नंबर की बात करते हैं, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू हाइड्रोलिसिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम की जो हाइड्रोलिसिटी निकल के आती है वो किस कारण से निकल के आती है, तो हाइड्रोलिक लाइम की जो हाइड्रोलिसिटी होती है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, क्ले। तो क्ले के कारण हमारी हाइड्रोलिसिटी निकल करके आ रही होती है, किसके कारण, क्ले के कारण हमारी मेन हाइड्रोलिसिटी निकल करके आ रही होती है। हम बात करते हैं 25 का, ऑप्शन नंबर 25 का हम आते हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलो भैया आगे बढ़ जाओ सर, 26 नंबर का आंसर बता दो सर। 26 में सर एक डायग्राम दिया गया, आप थोड़ा सा साइड हो गए जब हम आंसर दे पाएंगे, तो सर हो गए हैं साइड और सर हो गए हैं साइड, तुम बता दो आंसर क्या है। जल्दी आंसर बताओ, जल्दी बताओ। तो क्या बोला है, द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द सिंपल सपोर्टेड बीम इज शोन इन द बुक, द फिगर देन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो L1 इज इक्वल टू L2 बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या है, L1 इज इक्वल टू L2 है, तो हम बात करते हैं यहां पर क्या है, हम बात करते हैं यहां पर एक लोड लगा दो और यहां पर एक लोड लगा दो, सॉरी यहां पर नहीं, एक लोड यहां पर लगा दो। अब बताओ ये W यूनिट का, ये W यूनिट का, और ये रिएक्शन है, तो बताओ क्या फोर्स कुछ ऐसे ही आएगा, शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट या लोडिंग इस तरीके से आएगी। और अगर लोडिंग आ गई है तो हम इसका डायग्राम बना देते हैं बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हमने ये बना दिया तो ये निकल गया, ये कितना आएगा W इंटू एल वन, और ये भी कितना आएगा W इंटू एल टू, क्योंकि एल वन इज इक्वल टू एल टू है तो इसको W इंटू एल वन भी लिखा जा सकता है। तो हम आते हैं W इंटू एल वन यहाँ पर निकल करके आएगा, तो W इंटू एल वन हमारा आंसर होगा, W इंटू एल वन इज द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 26 की बात है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर। तो W इंटू एल नहीं होगा, एल तो पूरा लेंथ है नायक, अरे यार कैसी बातें कर दिया, W इंटू एल, W इंटू एल, देखो ये एल वन यहां दिया है, देखो यार ये कंसीडर करो यार, ये कंसीडर करो, ये एल वन दिया, ये एल टू दिया गया, ये क्या दिया गया, ये एल दिया गया, तो ये तो हमारा क्या है एल वन है बेटा, एल वन, और ये क्या है एल टू है, और ये क्या है टोटल एल, तो W इंटू एल कर दोगे तो क्या W इंटू एल लेकर, ये देखो W इंटू एल क्या लड़ाई बनेगी, अरे कैसी बात करता नहीं तुम लोग, तुम लोग कैसी कैसी बातें करते, कैसी कैसी बातें करता नहीं है, अभी समझ में आया नहीं, तो भैया नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो देखो ये क्या है, सीधा आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या पॉइंट लोड होगा, यहाँ पर भी क्या पॉइंट लोड होगा, तभी तो हम कंसीडर करके ये हमें, हमने इससे क्या बनाया लोडिंग डायग्राम बनाया, लोडिंग डायग्राम से क्या बना दिया BMD बना दिया, बस यही तो किया है। अरे रे 26 की बात करे रे, कैसा करता नहीं तुम लोग यार, अरे प्रफुल देखो इन लोग कैसे कैसे आंसर देते हैं, L1 L2 नहीं दिखाई दे रहा है इनको, L ही दिखाई दे रहा है सीधा, बहुत बढ़िया प्रफुल बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, गलती से मिस्टेक होते रहना चाहिए जिससे हमें पता चलता है कि हम आसमान में नहीं है, हम जमीन पर वापस आ जाते हैं, ठीक है, गलती से मिस्टेक चलती है। चलो बहुत बढ़िया, तो हम अगर 26 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 27 की बात कर लो यहाँ पर, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, 27 की बात करो जल्दी से, तो सेशन को यार शेयर करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें मिलना बंद हो जाएंगे अगर सेशन बंद हो गए, ठीक है, सेशन को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। द प्रेशर फिल द ब्लैंक्स एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज, तो हम बात करते हैं जैसे जैसे हम डेप्थ ऑफ द लिक्विड को इंक्रीज करने की बात करते हैं तो प्रेशर भी क्या होता है इंक्रीज, क्यों, क्योंकि हमारे प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है रो जी एच निकल के आता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एच निकल के आता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एच निकल के आता है, तो प्रेशर अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही तो प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो 27 की बात करते हैं यहाँ पर, 27 के बाद 28 की बात करो, जल्दी से आंसर बताओ कोई मुझे क्या होगा, 27 के बाद 28 की, अ कंपोजिट बीम इज कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल स्ट्रिप्स, जो हमारी कंपोजिट बीम है वो कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल स्ट्रिप्स, वन ऑफ द ब्रास एंड अदर ऑफ द स्टील, देन द टेंपरेचर इज दिस, अगर हम मतलब एक ब्रास का है और दूसरा क्या है स्टील का निकल क्या रहा, एक ब्रास का है और दूसरा किसका निकल क्या रहा स्टील का निकल क्या रहा, तो उस कंडीशन की बात करते हो, बताओ
थर्मल एक्सपांशन किसका ज्यादा होगा, थर्मल एक्सपांशन किसका ज्यादा होगा? तो अगर हम आ गए थर्मल एक्सपांशन, तो थर्मल एक्सपांशन किसका ज्यादा होगा? ब्रास का ज्यादा होता है किससे? स्टील के कंपैरिजन में। तो ब्रास क्या करेगा, हमारा ये ब्रास है और ये हमारा स्टील है, ये हमारा ब्रास है और ये क्या है, स्टील है। तो ब्रास क्या करेगा, एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, स्टील क्या होगा, कम एक्सपांड करेगा। तो हमें बात करनी होगी क्या है, तो हम बात करेंगे स्टील एक्सपीरियंस टेंसाइल फोर्स इफ द टेम्परेचर इज रेज। अगर टेम्परेचर को रेज किया गया, क्या यहां पर एंड कंडीशन दी गई है कुछ, मुझे बताओ एंड कंडीशन दी गई है, यानी एंड कंडीशन अभी तो नहीं बताया गया। तो हमें स्टील एक्सपीरियंस टेंसाइल फोर्स, तो अगर हम बात करें तो स्टील क्या को करता है, टेंसाइल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, तो बीच में लाना पड़ेगा। जबकि हम आगे ब्रास एक्सपीरियंस कंप्रेसिव फोर्स, ब्रास क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स को हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। कंपोजिट बीम गेट सब्जेक्टेड टू अ कपल, कंपोजिट बीम जो है वो कपल पे सब्जेक्ट हो सकती है। तो इस तरीके से जो हम आते हैं, तो क्या हुआ ये इस तरीके से हम आते हैं, तो घुमा भी सकता है, तो हम आते हैं किस पे, सब्जेक्ट हो सकता है कपल पे, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर रिस्ट्रेंट है तो, अगर फ्री टू एक्सपांड है तो कुछ भी नहीं निकल करके आएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा, ऑल ऑफ दीज। तो 28 की बात करते हैं, क्या निकल करके आएगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। चलो बिल्कुल हम अज्यूम मान के चलते हैं कि यहां पर है, कंपोजिट बीम में हम अज्यूम मान रहे हैं कि यहां पर है। अगर मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोल दिया कि कंपोजिट तो है सेक्शन, सेक्शन तो कंपोजिट है बट दोनों तरफ से क्या है, फिक्स्ड नहीं है, तो उस समय क्या आएगा, स्ट्रेन तो आएगी लेकिन स्ट्रेस क्या हो जाएगी, जीरो निकल गया, स्ट्रेन तो आएगी लेकिन स्ट्रेस क्या निकल जाएगी, जीरो निकल गया। तो 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो 29 की बात करते हैं, यहां पर जल्दी आंसर बताओ उसका, लोड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड लोड फैक्टर इज नोन एज, कैरेक्टरिस्टिक लोड और लोड फैक्टर को मल्टीप्लाइड करने पर जो लोड वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है, जो लोड वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है, वो हमारा क्या होता है, डिजाइन लोड होता है। तो डिजाइन लोड इज इक्वल टू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू लोड फैक्टर, हमारा क्या निकल के आएगा, वो हमारा डिजाइन लोड निकल के, ठीक है। चलो तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो आपको कमेंट सेक्शंस में आ सकता है, इसमें कमेंट सेक्शन में आ सकता है। तो दोस्तों देखो हमारे जो सेशंस चल रहे हैं वो डेली बेसिस पे चलेंगे, सैटरडे संडे हमारे सेशंस 9 to 10 होते हैं, तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लें, वैभव सर सुपर कोचिंग, जिसमें मैं वीक में एक बार बच्चों के साथ लाइव चैट के थ्रू भी वहां पर इंटरेक्ट कर रहा होता हूं, और आपके जो भी क्वेरीज हैं चाहे वो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड हो या किसी भी रिलेटेड हो, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं, तो विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिलेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको वहां पर आंसर मिलते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं यहाँ पर, कि लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हम अगर ट्रू स्टेटमेंट निकालना था, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट आएगा, कि द फिनिश्ड कॉन्क्रीट इज मेजर्ड इन द क्यूबिक मीटर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, तो गाइस प्लीज आंसर जरूर करो, आज का क्वेश्चन जैसे पूछा गया है उसका भी आंसर जरूर बताइएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम शो मोड में जाते हैं, तो एक और आपके लिए खुशखबरी निकल के आ रही है, क्या शो मोड में जाते हैं, तो यहां पर आपके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में एई जेई सिविल की जैसे ही बात करेंगे आप, एई जेई सिविल की जैसे ही आप बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, सुपर कोचिंग एई जेई सिविल की बात करते हैं, यहां पर आपको नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो मेरे साथ साथ पढ़ने के साथ साथ और भी इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिसमें हम आते हैं निम्बस लर्निंग है, स्वर अकेडमी है, रोहित यादव सिविल है, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट है, और भी कई सारे यहां पर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट निकल कर आ रहे हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज है वो 17 से ज्यादा है, जिसमें हम एसएससी जेई आरआरबी हम बात करते हैं, ये सारे हम बात करते हैं कोर्सेज यहाँ पर इनरोल है, और साथ ही साथ यहाँ पर नॉन टेक का पोर्शन भी इनरोल है, नॉन टेक का पूरा कोर्स जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हम आपके रीजनिंग, एप्टीट्यूड, आपका हिंदी, इंग्लिश सभी कुछ यहाँ पर इंक्लूड होकर के आ रहा है, तो वो नॉन टेक्निकल का कोर्स भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल किया जा रहा है। तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, साथ ही साथ स्टेट के जो है वो जीके जीएस के भी जो है वो यहाँ पर कुछ स्टेट के लिए यहाँ पर वो कोर्सेज भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, डेली लाइव क्लासेस, तो अगर मान लीजिए कोई वीडियो कोर्सेज में आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप लाइवली अपने टीचर के साथ आकर के उस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं, और अगर किसी टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट्स रह जाते हैं, क्वेरीज रह जाती हैं, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डाउट एंड क्वेरीज का सॉल्व होना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम किसी भी चीज की शिद्दत के साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन निकल जाती है,
देन हम आते हैं पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशन है, स्ट्रेटजी सेशन है, जो वीकली स्ट्रेटजी सेशन है वो मैं लेकर के यहाँ पर आपके लिए आता हूँ, और एसएससी जेईई स्पेशल सेशन भी निकल के आते हैं। और अब मैं एक और सेक्शन से यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो हम आते हैं लाइव मॉक टेस्ट। तो मैं आपके सामने बैठ करके मॉक टेस्ट देने वाला हूँ और वहां पर हम चीजों को करेंगे। तो 1200 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, इनके टेस्ट को हम वन बाय वन देते जाएंगे और आप भी इनको अटेंड करेंगे। किस तरीके से अटेंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर मार्क्स वगैरह जो होंगे वो एक अच्छे रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको बताएंगे किस किस तरीके से जाना है। 300 से ज्यादा स्टडी नोट्स के साथ साथ है, तो हम आते हैं सब्सक्रिप्शन एडऑन करने के लिए क्या करना है। भैया सब्सक्रिप्शन एडऑन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको जो सब्सक्रिप्शन एडऑन हो रहा है वो सब्सक्रिप्शन एड ऑन कितने में हो रहा है, हम बात करते हैं यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए 4900, हम कहते हैं 6 मंथ के लिए ये है और हम कहते हैं 12 मंथ के। तो यूपीएमआरसी जल्दी होने वाला है, 3 मंथ में आप कोर्स यहाँ पर टेक्निकल कंप्लीट कर सकते हैं, यूपी के लिए भी नॉनटेक यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर इतने पेज मत करना, इस पे को करने के लिए इतना पे नहीं करना, आपको क्या करना है सिंपली ऐसा कोड अप्लाई करना है जिसको लगाने से लाइफ झिंगा लाना हो जाती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर वैभव कोड को यूज करिएगा, वैभव कोड को यूज करके आपको मिलेगा अप टू 35% ऑफ। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम कूपन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर कूपन अप्लाई करते हैं, तो कूपन अप्लाई करना है हमें, कूपन अप्लाई करें तो यहाँ पर ये कितना 8299 का है, हम आते हैं 8299 का है हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन। तो हमने बात की यहाँ पर कोड अप्लाई किया VAIVHAV, और जैसे ही कोड को अप्लाई करते हैं VAIVHAV कहाँ गया यार, तो हम बात करते हैं वैभव कोड का अप्लाई करते हैं, और वैभव कोड का अप्लाई करने पे यही कितने मिला है 4315 रुपीज में मार मिला, केवल केवल 4315। अभी भी मौका है, इसको एनरोल कर लो, इतने कम प्राइसेस में हम बात करते हैं, कहीं भी आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल एनरोल करो यार इसको। हम बात करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में 11:30 बजे मास्टर क्लास के अंदर, देन हम 12:30 बजे और 1:30 PM में। क्लियर गाइस? So thank you everyone. Thank you so much guys.